मित्रों, रामायण और महाभारत सनातन धर्म के दो महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ हैं और इनमें कई ऐसे किरदार हमें मिलते हैं जिनके बारे में जानने की उत्सुकता आम जनमानस में देखने को मिलती है। अब मित्रों, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला, ये तो सभी जानते हैं, परंतु क्या आपको पता है कि जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसकर कौरवों के छक्के छुड़ाए थे तब वो कितने साल का था? या फिर भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब बाणों की शैया पर लेटे थे तब उनकी उम्र क्या थी? नहीं जानते तो आज की ये प्रस्तुति आप ही के लिए है, जिसमें हम जानेंगे कि महाभारत युद्ध के समय सभी योद्धाओं की उम्र क्या थी। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति हजारों वर्ष तक जीवित रह सके? पुराणों में अश्वत्थामा, बाली, व्यास, जामवंत, हनुमान, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि के अलावा और भी ऐसे कई लोगों का जिक्र मिलता है जिनके आज भी जीवित होने का दावा किया गया है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि महाभारत युद्ध के समय इस पूरी कथा के सूत्रधार भीष्म पितामह की उम्र क्या रही होगी? आइए इसका विश्लेषण करते हैं। तो मित्रों, पहले के लोग 4 आश्रमों का पालन करते थे, जिनमें से ब्रह्मचार्य आश्रम का अनुपालन करने वाले 25 वर्ष की आयु के बाद ही विवाह करते। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि सभी इस आश्रम का पालन करते हों। तो ऐसी स्थिति में उनकी उम्र की गणना कैसे करें? दरअसल इसमें हमारी मदद हिंदू धर्म शास्त्र और पुराण करते हैं। पुराणों में वर्णित है, राजा शांतनु की पहली पत्नी गंगा का 8वां पुत्र हुआ, जिसका नाम देवव्रत रखा गया और ये देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म पितामह बना। और जब देवव्रत की उम्र विवाह लायक थी तब उनके वृद्ध पिता यानी कि शांतनु ने युवा सत्यवती से विवाह किया था। हम मान लेते हैं कि उस समय देवव्रत की उम्र 22 वर्ष रही होगी, मतलब शांतनु के दूसरे विवाह के समय भीष्म 22 साल के थे। इसके बाद शांतनु के सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। विचित्र वीर्य के बालपन में ही राजा शांतनु का देहांत हो गया। तब भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने सौतेले भाई चित्रांगद को राजगद्दी पर बिठाकर शासन किया और जब चित्रांगद बड़ा हुआ तो उसे ही राज्यभार सौंप दिया। उस वक्त निश्चित ही चित्रांगद की उम्र 20 वर्ष रही होगी। आंकड़ों को सही से देखें तो चित्रांगद के जन्म के पूर्व भीष्म की आयु 22 वर्ष थी, तो इस हिसाब से उसके बड़े होने पर भीष्म की आयु संभवतः 42 वर्ष रही होगी। चित्रांगद के राजगद्दी पर बैठने के बाद उसने लगभग 8 वर्षों तक शासन किया, परंतु गंधर्व राज के साथ हुए एक युद्ध में वो मारा गया। मतलब 42 में 8 वर्ष और जोड़ दिए जाएं, तो उस समय उसकी आयु 50 वर्ष के आसपास रही होगी। चित्रांगद के बाद भीष्म ने विचित्र वीर्य को गद्दी पर बिठाया, जो अभी भी इस भार को संभालने के लायक नहीं था। अब चूंकि वो यौवन दशा को भी प्राप्त नहीं हुआ था, इसीलिए लगभग 5 वर्ष के बाद विचित्र वीर्य के जवान होने पर उसका विवाह काशीराज की 2 पुत्रियों अंबिका और अंबालिका से हुआ। अर्थात चित्रांगद की 28 वर्ष में मृत्यु के 5 वर्ष बाद विचित्र वीर्य ने राजगद्दी का भार संभाला, अर्थात उस समय भीष्म की आयु 55 वर्ष रही होगी। अब विवाह होने के पश्चात विचित्र वीर्य 7वें वर्ष क्षय रोग से बीमार हो गया और 8 वर्षों के अंदर स्वर्ग सिधार गया। इस हिसाब से भीष्म की आयु उस वक्त 63 वर्ष हुई। अब जब भीष्म ने अपने दोनों सौतेले भाई चित्रांगद और विचित्र वीर्य को खो दिया, तब भीष्म इस दुविधा में घिर गए कि अब वो राज्य किसको सौंपे। तब सत्यवती ने अपने वंश को बचाए रखने के लिए भीष्म से अंबिका और अंबालिका के साथ नियोग कर पुत्र उत्पन्न करने को कहा। लेकिन भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा ले रखी थी। बहुत मनाने पर भी जब भीष्म नहीं माने तब वेदव्यास जी ने अंबिका, अंबालिका और एक दासी के साथ नियोग करके धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया। गणना की जाए तो इनके जन्म के समय भीष्म की आयु 65 वर्ष हो चुकी थी। कहते हैं जब सत्यवती ने राजा शांतनु से विवाह किया था तो उसके पूर्व ही उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया था जो ऋषि पराशर का ही पुत्र था और वही पुत्र आगे चलकर वेदव्यास बना। इसका मतलब ये है कि व्यास जी की आयु
भीष्म की अपेक्षा 16 वर्ष कम मानी जा सकती है और इस मान से अंबा और अंबालिका के साथ नियोग के समय व्यास जी की आयु लगभग 50 वर्ष के करीब रही होगी। आगे बढ़ते हुए जब धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राजा के लिए अयोग्य ठहरा दिए गए और पांडु के युवा होते ही पांडु को राज्य मिल गया तो उस समय उनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष तो रही होगी। इसीलिए पांडु के राज्य अभिषेक के समय भीष्म की आयु निश्चित ही 83 वर्ष के आसपास रही होगी। इस दौरान राजा पांडु ने लगभग 10 से 12 वर्षों तक अच्छे से राज किया, जिसके पश्चात उनको क्षय रोग हुआ और वो हिमालय की पहाड़ियों में जाकर रहने लगे। ऐसे में धृतराष्ट्र को राजगद्दी मिल गई। आंकड़े देखें तो उस समय भीष्म की आयु लगभग 95 वर्ष की हो गई होगी। इसके पश्चात 4-5 वर्षों की अवधि में युधिष्ठिर, दुर्योधन आदि का जन्म हुआ, अर्थात पांचों पांडवों के जन्म के समय भीष्म लगभग 100 वर्ष की आयु को प्राप्त हो चुके थे। युधिष्ठिर और दुर्योधन की आयु में लगभग 1 या 2 ही वर्ष का अंतर प्रतीत होता है। पांडव विद्या प्राप्त करके जब यौवन दशा को प्राप्त हुए तब दुर्योधन आदि कौरवों ने शकुनी के साथ मिलकर लाक्षाग्रह में पांडवों को जलाने की योजना बनाई, परंतु पांडव बच गए। उस समय युधिष्ठिर की आयु 20 वर्ष के लगभग थी, अर्थात भीष्म की आयु भी 120 वर्ष से कम न रही होगी। इसके पश्चात लगभग 10 से 12 वर्षों तक पांडवों को कष्ट झेलने पड़े। बाद में कुछ राज्य देने की बात की गई। तब उस समय युधिष्ठिर की आयु कम से कम 32 वर्ष की और भीष्म की आयु 132 वर्ष मानी जा सकती है। इंद्रप्रस्थ मिलने के बाद पांडव राज्य करने लगे और लगभग 25 वर्षों तक राज करके पांडवों ने दिग्विजय करके राज्य वैभव बढ़ाया और राजसूय यज्ञ किया। उस समय युधिष्ठिर की आयु 57 वर्ष और भीष्म की आयु 157 वर्ष हो चुकी थी। राजसूय यज्ञ में पांडवों के वैभव और ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन के मन में कटुता उत्पन्न हुई और उसने उनका राजपाट छीनने के लिए एक कपटी चाल चली। युद्ध क्रीड़ा में हार होने से पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ और 1 वर्ष का अज्ञातवास। इस प्रकार वनवास की समाप्ति के समय युधिष्ठिर की आयु 70 वर्ष के आसपास रही होगी और इस हिसाब से भीष्म की आयु 170 वर्ष मानी जा सकती है। वनवास और अज्ञातवास की समाप्ति के बाद दोनों पक्षों का कुछ समय बातचीत करने में व्यतीत हुआ और इसके पश्चात महाभारत का युद्ध हुआ जो 18 दिनों तक चला। उस वक्त भीष्म पितामह की आयु लगभग 170 वर्ष थी जब उन्होंने महाभारत युद्ध में ही शरशैया पर अपना शरीर त्याग दिया। कहा जाता है कि इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण ही उनकी उम्र इतनी लंबी रही। तो मित्रों, भीष्म की ये उम्र है तो अनुमानित, लेकिन इस उम्र के मान से आप अन्य सभी योद्धाओं की उम्र का भी सही अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर आदि वन में चले गए और वहीं 2 वर्ष के अंतराल में उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। शोध अनुसार महाभारत का युद्ध 3067 ईसा पूर्व में हुआ था। तब भगवान कृष्ण 55 या 56 वर्ष के थे। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि उस समय उनकी उम्र 83 वर्ष थी और महाभारत युद्ध के 36 वर्षों बाद उन्होंने देह त्याग दी थी। इसका मतलब श्री कृष्ण ने 119 वर्ष की आयु में अपनी देह त्यागी थी। वहीं पुराणों में श्री कृष्ण की आयु को 125 वर्ष बताया गया है, जबकि ज्योतिषियों के मतानुसार उनकी आयु 110 वर्ष थी। अब अंत में बात करें अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की। तो जब अभिमन्यु ने कौरवों के चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश की थी तब उस समय उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आप महाभारत युद्ध में शामिल हुए योद्धाओं की उम्र का अंदाजा लगाने में सफल हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।